हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे फ्लो स्विच के बारे में कि फ्लो स्विच काम कैसे करता है और कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं फ्लो स्विच होता क्या है। फ्लो स्विच इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर इंडिकेशन द फ्लो ऑफ एयर, स्टीम और लिक्विड। फ्लो स्विच जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि फ्लो के इंडिकेशन के लिए यूज होता है कि फ्लो जा रहा है हमारा किसी भी पाइपलाइन से या नहीं जा रहा है। फ्लो रेफर्स टू द वेलोसिटी और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गैस, स्टीम और लिक्विड विद इन ए पाइप दैट ट्रिगर्स द एक्चुएशन ऑफ द फ्लो स्विच। मतलब फ्लो रेफर्स करता है वेलोसिटी को या फिजिकल मूवमेंट को, गैस, स्टीम, लिक्विड को, जो कि किसी पाइप में जारी होती है। तो जब फ्लो स्विच क्या है वो ट्रिगर करता है, एक्चुएट होता है और उससे हमें पता चलता है कि फ्लो जा रहा है। व्हेन देयर इज नो फ्लो प्रेजेंट द वेलोसिटी आइदर ड्रॉप्स और कम्प्लीटली स्टॉप। इन आइदर केस द स्विच विल रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जब कोई फ्लो नहीं जा रहा होगा तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी या फिर कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, जो हमारा फ्लो स्विच है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगा। ये इस तरह से ये फ्लो स्विच लगा हुआ होता है। ये पाइप में कनेक्शन थ्रेडेड होती है, उसमें ये टाइट हो जाता है। ये हमारा एक्चुएशन एलिमेंट कहलाता है, ये हमारा एक्चुएशन एलिमेंट कहलाता है। अब इससे देखेंगे, जब ये फ्लो मेरा पास करेगा यहाँ से, तो ये जो एक्चुएशन एलिमेंट है ये वाला, ये थोड़ा सा टिल्ड होगा इस साइड में। जब ये टिल्ड होगा तो इससे क्या है, एक मैग्नेट मूवमेंट होगी और जिससे हमारा ये कॉन्टेक्ट चेंज ओवर हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये फ्लो स्विच हमारा एक्चुएट हो गया है, मतलब फ्लो इसमें से जाने लगा है। तो ये इस तरह से ये काम करता है। अब ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती है। फ्लो स्विच नॉर्मली बहुत ही कम जगह यूज करते हैं, जैसे पंप प्रोटेक्शन में यूज कर लेते हैं कि आर पंप का डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है, तो ये पंप को पता चल जाता है कि पंप से फ्लो नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर हम पंप प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। सेफ्टी स्प्रे नोजल मॉनिटरिंग में यूज करते हैं कि नोजल से हमारा स्प्रे हो रहा है नहीं हो रहा, वो हमारे फ्लो स्विच जो है उससे इंडिकेशन मिल जाता है और इससे यूज कर लेते हैं। कूलिंग वाटर और हीट एक्सचेंजर्स में भी हम फ्लो स्विच का यूज करते थे पहले, अभी हम कम करते हैं क्योंकि हम डीपी ट्रांसमीटर वगैरह लगाने लगे हैं इसमें ज्यादा एक्यूरेसी के लिए। ऑयल वेल सिस्टम टेस्टिंग में यूज करते हैं, ड्रेन लाइन के फ्लो में यूज करते हैं, तो ये रिलीफ वाल्व मॉनिटरिंग में यूज करते हैं, तो ये इस जगह यूज करते हैं। फ्लो स्विच नॉर्मली वहां यूज करते हैं हम जहाँ क्रिटिकलिटी थोड़ी कम है और सिर्फ हमें इंडिकेशन रिक्वायर्ड है कि फ्लो आया नहीं आया, उस जगह हम सिर्फ फ्लो स्विच का यूज करते हैं। अदरवाइज हम फ्लो ट्रांसमीटर का यूज करते हैं, जो हम वन बाई वन आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे वर्क करते हैं फ्लो ट्रांसमीटर उसके बारे में। तो ये हमारा फ्लो स्विच के बारे में था कि कैसे क्या काम करता है, और ये एक हमारी ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल बुक है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये परचेज करनी है तो अभी आप अमेजन से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।